हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो ये एनटीपीसी मैथ्स का पार्ट 10 वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप लोग देख सकते हैं, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी मैथ्स के नाम से बना हुआ चैनल और सारे पार्ट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। एक काम कीजिएगा आप लोग, जब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा तो वीडियो को रोक के खुद से आप सॉल्यूशन कीजिएगा, जिससे ये होगा अगर सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के माध्यम से आप उसको हेल्प ले सकते हैं। और आने वाले एग्जाम में जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी या एएलपी जो भी एग्जाम आएंगे उसमें आप लोगों को क्या होगा, बहुत सारे मदद मिलेगी। और ये कह सकता हूँ मैं, पैटर्न पता चल जाएगा आप लोगों को, जिससे ये हो जाएगा आपको इसी तरीके से तैयारी करके एग्जाम में अच्छे स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, 247 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 248। ये कहा गया केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त यानी ए बी सी तीन राज्यों को निश्चित राशि, यानी ए केंद्र सरकार की है, एक एरिया में बाढ़ आ गया था जिसके वजह से केंद्र सरकार ने कुछ राहत पैकेज दिया, जिसमें ए को दिया 2:1, बी को दिया 3:1 और सी को दिया 4:1। और इन यानी सी को ए से 400 करोड़ ज़्यादा मिले, सी को ए से 400 करोड़ ज़्यादा मिला। हकीकत में कितना मिला है, ए को 2 मिला है, सी को 4 मिला, यानी कितना ज़्यादा मिला है, 2। तो 2 = 400, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यानी 400/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। अब ये पूछा गया अपने से बी को कितना मिला, तो बी को 3 मिला था, 3 × 200 कितना हो जाएगा, तो बी को मिला था दोस्तों 600 करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 249 आपके स्क्रीन पर है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आसान तरीके से बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट और इजी तरीके से बताऊंगा, जो आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 249 क्या कह रहा है। ये कहा गया 13,500 रुपये के 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 12.5% पर जमा किए जाते हैं तो परिवक्ता मूल्य कितना होगा, यानी ये कहा गया है जो लास्ट में दिया जाएगा तो उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना लगा के उसको पे करना होगा। तो देखिए 12.5% एक साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों, 25% इंटरेस्ट होगा, 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटे 4। अगर 4 मूलधन रहा होगा तो 4 × 1 बढ़ेगा तो कितना ब्याज देना होगा, पूरा मूलधन सहित अमाउंट कितना देना होगा, अमाउंट मिश्रधन कितना 5 देना होगा। लेकिन वो कितना कर रहा है, 13,500 में ये 4 के बराबर है, उसे 5 देना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, गुना कीजिए उसको, 4 से भाग दीजिएगा, 4 × 3 = 12, 1 × 4 = 12, 3 × 0, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, गुना कीजिए, 25 × 5 = 5, हाथ में 2, 7 × 5 = 35 और 2 × 37 = 7, हाथ में 3, 5 × 3 = 15, 3 = 18, 1 × 5 = 15 = 16, यानी 16,875 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जो कि मैंने ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, इसको मैंने परसेंटेज का क्वेश्चन बना दिया आसानी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 250 में ये कहा गया है, कुछ नंबर दिए गए हैं दोस्तों जिसको रेंज निकालना है, डेटा रेंज निकालना है। तो मैंने बता रखा है जब भी रेंज निकालना हो तो क्या करना है, मैक्सिमम नंबर उठाना है माइनस मिनिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर हो जाएगा 7 और मिनिमम नंबर 1, यानी कितना हो जाएगा हमारा आंसर 6, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 251, रेंज के हर एक सेट में एक एक क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आसानी से आप लोग कीजिए, समझिए, जाके देखिएगा अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो। 251 में क्या कहा गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त है, ये डायमीटर होता है और उसका एरिया जो दे रखा है, एरिया होता है π r², लेकिन एरिया दे कितना रखा है 616, यही दे रखा है, तो काट दीजिए 616/22/7 × r², ये बोला गया, डायगोनल पूछा गया आपसे, यानी ब्याज कितना होगा, पाई कमान 22/7 लेना, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 2 से कितने बार में जाएगा 28 बार में, यानी r² = कितना हो जाएगा 28 × 7, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो आगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, r = कितना हो जाएगा 28, को तोड़ लीजिए आप, रूट भी मत निकालिए, 28 का कितना 7 × 4 में कर सकता हूँ मैं, 7 कर सकता हूँ, तो 2 7 है, रूट से बाहर 1 7 आ जाएगा,
और 4 का रूट कितना होगा 2, यानी कितना हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 14, यानी यहाँ से त्रिज्या हमारे पास कितना आ गया 14। तो व्यास पूछा गया है तो इसका डबल कर दीजिए, ये भी 14, तो व्यास के यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 28 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 252 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 252 देखिए दोस्तों, ये कहा गया इस क्वेश्चन में 48, 92 और 140 का एचसीएफ क्या होगा, 48, 92 और 140 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में सबसे पहले एक ट्रिक देख लीजिए, माइनस कीजिए दोनों को, 12 से 8 जाएगा 4 और 8 से 4 जाएगा 4, इधर माइनस कीजिए, 10 से 2 जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 13 से 9 जाएगा 4, इनको फिर से माइनस कीजिए कितना 4, तो आपका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये सब इजी तरीके होते हैं, आसानी तरीके से गुना भाग कुछ भी करना ही नहीं है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 253, ये कहा गया इस क्वेश्चन में, ये एक्स एक काम 25% काम एक दिन में समाप्त करता है, वाई उसी काम को सारे 12% काम, देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, यानी एक दिन में 4 काम करता है, तो एक्स जो है कितना काम करता है 4 और वाई जो है 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, तो वाई कितना काम कर लेते हैं 8, दोनों कैल्शियम ले लीजिए 8, 4 दूनी 8, 8 1 8, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे 8/3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 2 और 1 3, इसकी बातें करो, क्षमता जोड़ दिया मैंने क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहा है, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 2 3 6 18 3 6 18 3 6 18, यानी 2.67, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 254 क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में ये कहा गया दोस्तों, 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई, यदि वस्तु 25% छूट होती, देखिए अगर जब वस्तु 2400 रुपये में बेची जाती है, इसका छूट कितना दिया जाए चाहिए उसको ये बताइए, 25% का छूट चाहिए, और छूट दिया कितना गया था 80, काट दीजिए 0 से 0, 8 3 24 300 30 हो जाएगा ना ये। चलिए अब गुना कीजिए, 5 3 15 1 50 7 21 1 22 और 1 0 लगा दीजिए ये वाला, तो आंसर 2250 रुपये का क्या होगा रहा होगा उसका मूल्य, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। बताइए इससे आसान ट्रिक अगर आप लोगों को मिल रहा है तो मैसेज करके बताइए कमेंट में आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 255 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 255 में सीधा सीधा बता दिया गया एचसीएफ निकालिए, यानी कपड़ों के 3 टुकड़ा है देखिएगा, जिसको ये कहा गया 1.62 मीटर और 1.98 मीटर अगेन कहा गया है 1.62, ये 26 है, 1.26 मीटर, 1.62 मीटर, देखिए जब मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, 100 से गुना कीजिएगा, 1.26 × 100 तो कितना हो जाएगा ये 1.26 00, और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी क्या होगा ये हट जाएगा, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा 126 और 162 किससे कट रहा है, अगर 2 से लेकर 20 तक के पहाड़ है आपको याद है, तो 18 से कट रहा है, ये भी 18 से कट रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 18 सेंटीमीटर। उसमें ये कहा गया था पूरा पूरा मापा जा सके, देखिए जब कभी भी आपको अधिकतम या फिर मैक्सिमम लंबाई की बात करें ना, तो उसमें आपको एचसीएफ ही निकालना पड़ता है, इस चीज़ की जानकारी आप लोग समझ लीजिए वहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 256 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 256 ये कहा गया दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा पर यदि कोई गति में 16 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाती है ना, तो उतने ही समय में वो 80 किलोमीटर ज़्यादा चल लेता है, तो देखिए जो वृद्धि की गई जो ज़्यादा चला गया उसको बराबर में रखिए, 16 वृद्धि 16 = 80, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5, और ये कहा गया यानी 5 घंटे में, और ये कहा गया 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, सॉरी 5 घंटे अगर वो 40 के स्पीड से जा रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा, कितना हो जाएगा ये 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 257 257 क्या कर आपके स्क्रीन पे,
अब ये कहा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 257 है, कॉस 1110 डिग्री का मान क्या होगा, यानी कॉस 1110 का। देखिए इसको 360 के फैक्टर में तोड़िए, कितना हो जाएगा, कॉस 3 × 360 + 30 लिख सकता हूँ क्या इसको, बताइए आप कितना हो जाएगा, ये 1080 + 30 तो कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। अब देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है दोस्तों √3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए 258 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 258 आपके स्क्रीन पे। अब ये ग्राफ का क्वेश्चन है, देखिए जब ग्राफ का क्वेश्चन दे दिया गया है ना तो सब परसेंट को जोड़ेंगे तो 100 होगा, और ये देखिएगा 100% बराबर 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल कितने डिग्री का कोण होता है उसमें 360 डिग्री का कोण होता है। चलिए अब देखिएगा इसको 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 360/100 10 से 10 गया, यानी कितना हो जाएगा 18/5, यानी 18/5 डिग्री कोण बनाती है, 1% 18/5 डिग्री कोण बनाती है। अब ये कहा गया केले को के कोण का सेक्टर क्या होगा, यानी केले का सेक्टर कोण क्या होगा, केला कितना है 15%, यानी 1% बराबर इतना, तो 15% बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 15 यानी 54 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 18/5 रहने देते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 259, चलिए इसका अब जरूरत है ही नहीं तो हटा दीजिए अब इसको, समझिएगा दोस्तों। ये कहा गया यदि कुल 960 पेड़ हैं तो आम के कितने पेड़ हैं, देखिए कुल 960 पेड़ हैं, 960/100 × आम, तो आम का प्रतिशत कितना है 35, तो इसको गुना कीजिए, 0 से 0 जाएगा, 5 × 10 5 × 7 = 35, 2 से कितने बार 48 बार में जाएगा, गुना कीजिए 8 × 7 = 56, 5 बच गया, 7 × 6 = 28, 2 × 3 = 33, यानी आम को पेड़ों की संख्या कितनी होगी 336 होगी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है क्योंकि ये बताया गया था टोटल 960 पेड़ है, तो ये 100% कितना होगा, 100% के बराबर ही होगा ये, और जितना परसेंट पूछा गया उतना परसेंट क्या कीजिएगा आप लोग निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 260 देखिए, क्वेश्चन नंबर 260 ये कहा गया दोस्तों खेत में चीकू और आम के पेड़ का, चीकू और आम, देखिए चीकू कितना है 20% और आम है 35%, इन दोनों का लगा दीजिए रेशियो 5:5, यानी आम और चीकू 55%, तो अदर जो पूछा गया है, जैसे पूछा गया मेरे को जामुन संतरे केले के पेड़ का अनुपात क्या होगा, ठीक है 55 ये हो गया, तो 100 - 55 कितना हो जाएगा 45%, रेशियो लगा दीजिए परसेंट से परसेंट गया 11 से जाएगा और ये 9 से, क्योंकि 5 से काटेंगे तो 11:9, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, कितना हो जाएगा ये 11:9 हो जाएगा। जब अपने को डेटा नहीं दिया गया है तो बिल्कुल परसेंटेज यूज करके आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 261 क्या कह रहे, ये कहा गया यदि sin θ = 2/3 है, यदि sin θ = 2/3, sin θ का मान होता क्या है P/H, बना लीजिए फटाफट ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस ये हो गया, यानी P कितना हो जाएगा हमारा 2, H कितना हो जाएगा 3, अगर ये A B और C, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों राइट एंगल का, AC² = AB² + BC², यानी ये वाली स्क्वायर प्लस ये वाली स्क्वायर बराबर AC² का। अब देखिए AC² 3 दे रखा है, तो 3² = 2² + BC², तो कितना हो जाएगा ये 9 + 4 + BC², तो देखिए BC² क्या हो जाएगा दोस्तों 9 - 4 = 5, तो BC क्या हो जाएगा √5, यानी ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, BYS था ना दोस्तों, तो BC² कितना होगा √5, तो ये चीज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √5 हो गया। चलिए अब देखिएगा दोस्तों ये कहा गया क्वेश्चन में जो sec θ था cosec θ, देखिए sec θ क्या होता है आपको नहीं याद है तो cos θ कितना होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए cos θ होता है दोस्तों B/H यानी √5/3, तो sec उसका उल्टा हो जाता है तो कितना हो जाएगा √3/5 यानी 3/√5, और देखिए यहाँ पे इसी की बात कर रहा है cot θ, तो tan θ होता है आपको
पी बाई बी यानी 2/√5, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 5/√2, यही हो जाएगा। लेकिन आपको देखिए सेक थीटा का मान ये नहीं दिया गया है, तो इसको अगर तोड़ेंगे ना दोस्तों तो 5 से ऊपर गुना कीजिए, 5 से नीचे गुना कीजिए, यानी कितना दे देगा ये 3/5/5, क्योंकि 5/√5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 3/5/5, और कॉट है वही दोस्तों, ये कॉट है, कॉट थीटा का 5/2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को देखते ही याद आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं समझाया हूँ, लेकिन करना नहीं एग्जाम में, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर निकालना है, 30 सेकंड से भी कम में आंसर निकलेगा ये। NTPC का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 30 सेकंड से ज़्यादा समय ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 262 क्या कर आपके स्क्रीन पर, ये कहा गया दोस्तों कुछ नंबर दिए गए हैं जिसका माध्यिका, देखिएगा जिसका माध्यिका, जिसको हम लोग क्या मीडियन बोलते हैं, बहुलक यानी मोड और माध्य यानी मिन की बात कर रहा हूं मैं। अब समझिए दोस्तों यहां पर ये कहानी कही गई, यहां पर देखिएगा नंबर दिया गया, उसको पहले क्या कीजिए आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। ठीक है, देखिए सजाइए पहले असेंडिंग ऑर्डर में, नंबर कौन सा आपके पास, देखिएगा जैसे दोस्तों असेंडिंग में सजाऊं तो सबसे छोटा 5 है, उसके बाद 7 कितनी बार है, 1 बार है, 8 कितनी बार है, 1, 2, 3 यानी 8 कितनी बार है, 3 बार, 9 कितनी बार है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 4 बार 9 है। अब देखिए यहाँ पे आपको खुद दिख रहा होगा बहुलक का मतलब ये होता है दोस्तों बारंबारता, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन सी नंबर रिपीट हुई है, तो 9, तो बहुलक कितना हो जाएगा 9। अब देखिए बीच में किसी में 9 है क्या, अच्छा 3 डेटा में बीच में 9 है, कोई बात नहीं, जमा का निकालेंगे। अब देखिए टोटल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9+1/2 कितना हो जाएगा, माध्य का निकाल रहा हूँ मैं, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5। अब देखिए पाँचवें नंबर पे कौन सी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 8, 9, तो माध्य का कितना हो जाएगा 8, 9। अब माध्य निकालना है मेरे को, तो सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 9 6 36, 8 3 24 और 7 5 12 यानी कितना हो जाएगा, 6 4 10 12 2 8 1 3 2 5 6 1 7 यानी 72/9 तो कितना हो जाएगा 8, यानी माध्य कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 8, 9, 8, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, माध्य माध्यिका और माध्यिका। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के, हर एक सेट में दो दो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब क्या कीजिए समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन 263, क्वेश्चन नंबर 263 में ये कहा गया कर्मचारियों को 3 श्रेणियों जैसे 1:2:3 में रखा गया है, अब उनकी वेतन 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो जाती है, काम कीजिए आप, इसका तो वृद्धि बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, तो इस काम कीजिए इसको 100-100 लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए अपने आप, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आसान बन जाएगा आपका। चलिए अब देखिएगा ये कहा गया 100 का 5% कितना, 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 105। अब देखिए 200 का 10% कितना हो जाएगा, 10 × 20 यानी कितना हो जाएगा ये 220। अब ये कहा गया अपने को 15%, तो 300 का 15% कितना हो जाएगा 45 यानी 345 हो जाएगा। अब उसको काट दीजिए, देखिएगा 5 × 10 5×5 5×20 5×20 5×6 30 और 5×9 45 यानी 21:44:69 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, क्योंकि इसके बाद ये कटेगा ही नहीं। परसेंटेज का वीडियो देखे होंगे तो डायरेक्ट डिटो क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, वही रिपीट हुआ था एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 264 क्या कह रहा है, ये कहा गया दोस्तों बी कार की गति ए से आधी है, देखिए बी की कार की स्पीड ए से आधी, अगर ए की 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये कहा गया दोस्तों यदि ए 1 से 1/11 समय घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी, 1 से 1/2 यानी समय कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 3 यानी 3/2 120 किलोमीटर की दूरी 3/2 हो जाएगा, 3 से कितने बार में 40 × 80 यानी ए जो है 2 की यानी 2/80 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और बी की स्पीड जब 40 से गुना करेंगे तो 40 किलोमीटर/आवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सब डायरेक्ट डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता जा रहा है एग्जाम में, देख रहे हैं आप लोग, समझेंगे तो आसानी तरीके से निकाल पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 265 देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट पूछा गया उसमें दोस्तों, 14 क्वाड्रेंट यानी 4 और -2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
यानी ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए आगे देखिएगा, 266 का देखिएगा, 266 क्या कह रहे हैं, 266 में ये कहा गया दोस्तों एक्स प्लस टू वाई बराबर कितना 27 दे रखा है, एक्स माइनस टू वाई बराबर माइनस वो दे रखा है, और पूछा किसका मान है दोस्तों, y का मान पूछा है, एक काम कर लीजिए ना, जब y का मान पूछा गया है तो x को एलिमिनेट कर दीजिए यानी माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, तो x x कट गया, ये कितना हो जाएगा 4y बराबर 28, तो y बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे में 4 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 267, क्वेश्चन नंबर 267 क्या कहा गया, देखिएगा, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है, देखिए ये आयताकार मैदान है 125 और कितना है ये 75 मीटर, अब उसके तथा मैदान के बीचों बीच लंबाई में समांतर 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी बनाई गई है, देखिए ये हो गया पैदल पट्टी, मतलब ये रास्ता बन गया, पार्क के बीचों बीच क्या कर दिया गया, रास्ता बना दिया, कितना 3 मीटर चौड़ी यानी 3 मीटर चौड़ी कर दिया गया, लंबाई तो वही हो जाएगा ना दोस्तों, लंबाई क्या है 125, तो लंबाई इसका भी 125 ही होगा, चौड़ा कितना दे दिया 3, यानी ये 3 है यहाँ से यहाँ तक, अब समझिएगा ये पूछा गया है रास्ता हटा दीजिए तब क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक काम कीजिए आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कितना 125 × 75 और माइनस कर दीजिए रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 125 × 3, दोस्तों जब इसको गुना करेंगे आप कीजिए गुना 125, देखिए मेरा गुना करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग सीख लीजिएगा, कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 3 × 5 = 7, 3 × 14, 3 × 17 1 = 7 × 7 = 8 0 हो जाएगा, 25 जोड़ना है ना, 2 = 5 × 5 = 10, 2 × 12 = 2, 1 × 5 = 5 = 6, यानी 5 × 5 = 7, 7 × 6 = 13, 8 × 1 = 8, 1 = 9, यानी 9375 से ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 375, यानी 375 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 9000, यानी 9000 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, जब रास्ते हटा देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा 9000 वर्ग मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक काम और एक बात और बता दूं दोस्तों आप लोगों को, हमने आपने क्या किया, हम लोगों ने आप लोगों के लिए NTPC में जितने भी एडवांस के क्वेश्चन पूछे गए सारे सॉल्यूशन करवाने आ रहा हूं आप लोगों, एक ही वीडियो मिल जाएगा आप लोग तो आसानी से। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 268, ये कहा गया दोस्तों इसमें, यदि 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े के टुकड़े को 330 रुपये प्रति मीटर और 270 रुपये में खरीदना पड़े तो 1000 रुपये दिए तो उसको वापस कितने मिलेगा, देखिएगा अगर वो 330 रुपये में 1 मीटर कपड़ा मिलता है तो 1.2 मीटर कपड़ा कितने में मिलेगा, देखिएगा गुना कीजिए, यानी 12 × 3 × 11 लिख सकता हूँ क्या, 12 + 3 कितना हो जाएगा 36 × 11 कितना हो जाएगा 6 × 6 = 9, यानी इस कपड़े का मूल्य कितना होगा 396 रुपये, अगले कपड़े का मूल्य देखिएगा दोस्तों, ये कहा गया जब ये 270 में ये एक का मूल्य है मेरे को चाहिए 1.3 का, तो ये 0.10 आ जाएगा कट जाएगा, 27 × 13 को गुना कीजिए, 7 × 21 = 2, 3 × 2 = 6, 7 × 7 = 13, 14 × 15 = 5, 8 × 2 = 2, 1 = 3, यानी कितना हो जाएगा 351 रुपये, कितना हो जाएगा 351 रुपये दूसरे कपड़े का, अब देखिए 6 × 7 = 9, 5 × 14 = 4, 8 × 1 = 3, 3 × 6 = 7, यानी 747 रुपये तो खर्च हो गए, तो 1000 रुपये उन्होंने दिए थे ना, तो 1000 से माइनस कर दीजिए, अब 10 × 7 = 3, 9 × 4 = 5 और ये 9 × 7 = 2, यानी कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे उसको 253, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 253 रुपीज क्या करने पड़ेंगे दुकानदार को वापस करने पड़ेंगे। चलिए 269 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 269 क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है इसलिए इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन और ग्राफ क्वेश्चन में क्या है मिसिंग है। चलिए 270 देखिएगा, 270 क्वेश्चन में ये कहा गया दोस्तों, x^5 − (x^4)² / x का सरल कीजिए, देखिए आपको पता है जब भागे में होता है तो पावर क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस हो जाता है, तो 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा x,
एक्स की पावर क्यू भागे एक्स, अब देखिए फिर से भागे में आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो एक है, तो एक्स की पावर क्यू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, भागे में जो है दोस्तों पावर क्या हो जाता है, भाग में माइनस हो जाता है, ये चीज़ें याद रख लीजिए आप लोग। चलिए 261 देखिए, 271 देखिएगा, ये कहा गया दोस्तों इस क्वेश्चन में, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 45 रुपये बेची जाती है, 12.5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/8, अगर ये CP है तो ये प्रॉफिट है, तो अगर CP 8 है तो SP कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 9 = 45 रुपये बेची जाती है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। और ये पूछा गया क्वेश्चन में जो लाभ कितने रुपये होगा, तो कितने रुपये का लाभ था, 1 रुपये का, 1 × 500 कितना हो जाएगा, 500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 272 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 272 आपके स्क्रीन पे है, एक दुकानदार 15 किलो और 20 किलो गेहूं 50 रुपये और 75 रुपये, देखिए 15 किलो गेहूं कितने, 50 रुपये, 1 किलो का मूल 50 रुपये, तो 15 किलो का मूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 750 रुपये। अब देखिएगा ये कहा गया, और 75 किलो गेहूं 20 रुपये, 20 किलो गेहूं 75 रुपये, तो एक टोटल का रेट कितना हो जाएगा, देखिएगा 75 × 150 यानी कितना, 1500 हो गया। अब ये कहा गया दोस्तों क्वेश्चन में, इस पे 10% का लाभ चाहिए, तो कितना लाभ चाहिए, 750 + 75 यानी कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 2 8 1 7 1 825 रुपये। और ये कहा गया है 15% 1500 का 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 / 12 में कितने बार में जाएगा, 5 × 3 = 15 यानी 300, 15 × 3 कितना हो जाएगा, 1800 जोड़ दीजिए उसमें कितना हो जाएगा, 5 2 8 8 16 1 1 2 यानी 26 25 रुपये का क्या होगा उसको, कुल बिक्री रही होगी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए 273 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 273 क्या कर आपके स्क्रीन पर देखिए, ये कहा गया एक टैंक को 30 मिनट में भरा जाता है, देखिए जब टैंक भरा जाता है उसके लिए प्लस लिख रहा हूँ, जब माइनस किया जाता है उसके लिए 90 लिख रहा हूँ, माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि 90 मिनट में खाली कर देता है, देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 30 से भाग करेंगे 3 और 90 से 1। अब देखिए एक नल एक घंटे जब चलता है तो 3 लीटर भरता है और दूसरी नल 1 लीटर खाली कर देता है, दोनों एक साथ चल रहा है तो एक तो भरने का काम करेगा दूसरा खाली करने का काम करेगा, तो ये भर कितना रहा है, 3 खाली 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 1 घंटे में 2 लीटर भरा जाएगा, भरना कितना 90, तो यानी 45 मिनट में क्या किया जाएगा उसको भर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 274 देखिएगा, देखिए 274 दोस्तों एक्स की वैल्यू बराबर 4 दे रखा है और आपसे आंसर पूछा गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान कितना होगा, देखिए 4 का क्यूब कितना 64 हो जाएगा, ये भी 64 -16 - 4 यानी देखिए ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन कितना हो जाएगा 20, तो 64 - 20 कितना हो जाएगा 44 यानी 64 × 44। अब इसको गुना कीजिए एक बार, देखिए सिंपल कीजिए 4 से ले आइए उसको, यानी 64 × 4 × 11 लिख सकता हूँ क्या, 4 × 16 1 + 6 = 24 + 25 = 2 और 11 यानी कितना हो जाएगा 6 6 5 11 5 2 7 1 8 और ये 2 28 16 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये NTPC मैथ का पार्ट 10 का लास्ट क्वेश्चन था, आगे की पार्ट आप लोगों को जल्दी मिलती रहेगी, तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।